उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर में मंगलवार को बारिश का दौर फिर शुरू हो गया। कल सुबह से ही तेज बारिश ने मौसम सुहाना कर रखा है। गोवर्धन सागर पर बने पनाधाय पार्क का नज़ारा आज छलक सकता है। पिछोला फतह सागर में भी अच्छी आवक। उदयपुर शहर में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद आज उदयपुर शहर के नदी नाले उफान पर आ गए। उदयपुर के सेवा आश्रम चौराहे के नीचे नदी उफान पर आ गई और दोनों तरफ से यातायात रुक गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मंगलवार को स्वदेवराज के निवास पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। बातचीत में उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई के सवाल पर कहा कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगने मात्र से वह दोषी नहीं हो जाता है। दोषी साबित होने के बाद भी जिस जुर्म जो सजा होगी वह मिलेगी। सस्ती लोकप्रियता के लिए योगी जी की तरह ही हमारे मुख्यमंत्री चल रहे, अब इस पर अंकुश लगेगा। सोमवार रात को उदयपुर शहर उसके आसपास हुई मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। वही आयर नदी अपने पूरे वेग से बह रही है। आयर नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने नदी के आसपास बनी की बस्तियां में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उदयपुर शहर के आसपास हो रही बारिश की वजह से सीसारमा नदी पूरे उफान पर है। वही सीसारमा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी घुस गया है और खेत जलमग्न हो गए हैं। खेतों में पानी चले जाने से किसानों की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। उदयपुर शहर और उसके आसपास बीती रात हुई झमाझम बारिश के बाद पिछोला झील ओवरफ्लो हो गई और आज स्वरूप सागर की रपट से पानी गिरने लगा। इसके बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने स्वरूप सागर के गेट खोल दिए। स्वरूप सागर से निकलने वाली जल राशि अब आयर नदी से होते हुए उदय सागर झील में समाहित होगी। मंदिर गोविंद देव में राधाष्टमी का उत्सव भी उल्लास और उमंग के साथ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 11 सितंबर को मनाया जाएगा। मंदिर छावन में ठाकुर के समक्ष 7 से 11 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक तथा शाम को 7 से रात्रि 8:30 बजे तक उत्सव दर्शन होंगे। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी महाराज के सानिध्य में राधाष्टमी महोत्सव का श्री गणेश 7 सितंबर को शाम 7 से रात्रि 8:30 बजे तक गौरांग महाप्रभु संकीर्तन मंडल के हरिनाम संकीर्तन के साथ होगा। 8 सितंबर को सुबह हरिनाम संकीर्तन परिवार और शाम को श्याम भजन संध्या परिवार सेवा समिति की ओर से ठाकुर के दरबार में भजनों की हाजिरी दी जाएगी। 9 सितंबर को सुबह चाकर मंदिर गोविंद देव जी के भक्त गण राधा और श्री जी को रिझाएंगे। वहीं शाम को माता वृंदावन की भजन संध्या होगी। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चारदीवारी क्षेत्र और पर्यटन महत्व की अन्य जगहों का सघन दौरा किया। कुमारी ने जयपुर शहर के विभिन्न स्थलों का जायजा लिया और जयपुर की हेरिटेज से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने बजट में जयपुर शहर में हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का शहर का ये दौरा उसी प्लान की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत रामनगर सोडाला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दुर्गालाल सैनी के घर पहुंचकर उन्हें सदस्यता दी। दुर्गालाल सैनी भारतीय जनता पार्टी के जयपुर के पुराने कार्यकर्ताओं में से एक हैं। दुर्गालाल को सदस्यता देते समय सदस्यता अभियान के संयोजक अरुण चतुर्वेदी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय का औचक दौरा किया। सीएम के अचानक दौरा होने से सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री दौरे के दौरान सीएम डिप्टी सीएम दिया कुमारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के कक्ष में भी गए और दोनों के ऑफिस देखे। इसके बाद शर्मा एसीएस गृह आनंद कुमार के कक्षा में जाकर उनके हाल चाल पूछे और कहा कि इसी बहाने आपका भी कक्ष देख लिया। फिर सीएम मेडिकल के सेक्शंस की ओर गए और फिर कार्मिक विभाग में देखते हुए गए सीएमओ पहुँचे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती।
चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।